और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान, झूठी गारंटियों का पहन के चोला, फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। और कांग्रेस हाईकमान के श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ होने हुआ क्या, गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3,016 रुपए देंगे, गारंटी फेल। वहां पे भी हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपए का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, आप सबके सामने, मैं मीडिया के मित्रों के सामने एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान, राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार, और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। मेरे भाई और बहनों, आज लोगों की जुबान पर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना। ये अंतर साफ नजर आता है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो गारंटियां देती फिर रही है कांग्रेस, वह कहते हैं हमारे पास दर्जनों गारंटी, पर गारंटर की क्या गारंटी है। राहुल गांधी गायब है, उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कर्जे माफ होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, 10 दिन के 10 महीने भी सरकार रही क्या बदला? ये तो कांग्रेसियों ने और जनता ने बदला उसके बाद।